अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने सामान में रखे और आपको खुशबाश रखे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑमलेट और आलू के पराठे। तो आज हम आपको रेसिपी भी बताते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। सबसे पहले आप आलू ले लें। आलू को आप बॉयल कर लें, हमने बॉयल करके आपके लिए रखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तकरीबन आलू आप 4 से 5 आलू ले लें अगर बड़े हों तो, अगर छोटे आलू हों तो फिर थोड़े ज़्यादा ले लें। और उसके बाद ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च हसबे ज़ायका है, नमक भी हसबे ज़ायका, ये सूखा धनिया है, ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 3 से 4 ले लें। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो फिर ज़्यादा ले लें। और ये धनिया है, धनिया हाफ कट्ठी है तकरीबन, ये सब्ज़ धनिया। अब इसके बाद आप आलू को मैश कर लें पहले और उसके बाद आप इसमें मसाले डाल लेंगे। आलू हमने मैश कर ली है, मैश करने के बाद हम मसाले डालेंगे, उसके बाद नमक ऐड करेंगे, उसके बाद सूखा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद हरी मिर्चें, उसके बाद ये हरा धनिया। अब ये मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको दोबारा से मैश करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आलू का मसाला दोस्तों आपका रेडी हो गया। तो हमने पेड़ बनाए हैं, दो हमने पराठे बनाने हैं, तो आपने जितने पराठे बनाने हैं उतने आप बना लें। ये हमने इसको ऐसे करके इसलिए रखा है, इसमें हम मसाला डालेंगे। दोस्तों आपने ये पेड़ा बना के रख लेना है, इसको इसमें अब आलू हमने डाल दिए, आलू का मसाला जो डाला था ये पेड़ा ऐसे बन गया। इसके बाद हम आप इस रोटी बनाने के लिए रोटी की शक्ल इसको देंगे। आमलेट के लिए आपने ये प्याज ले लेना है, एक प्याज है, दो टमाटर हैं और ये नमक हसबे ज़ायका, हरी मिर्ची हैं 3 और ये धनिया है 1 टेबल स्पून और सुर्ख मिर्च है पिसी हुई 1 टेबल स्पून, 3 अंडे हैं। अंडे आपने उतने लेने हैं जितने आपने पराठे बनाने हैं। मैंने 3 अंडे डाले हैं इसमें, उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। ये आपके प्याज हो गए और ये टमाटर हो गए। पेड़े को रोटी की शक्ल दे दी है, इसमें पेड़े में सबसे पहले हमने मसाला डाला था, अब हम तवे पे डालेंगे। तवा जो है उसके ऊपर हमने ऑयल पहले डाला हुआ है कि, तो उसके बाद हम ये डालेंगे रोटी। ठीक है, ऊपर आप घी लगा दें, ये आपकी फ्रंट साइड होगी, इसके ऊपर ही आपने पहले इसको आपने नीचे करके पकाना है, उसके बाद इसके ऊपर ही आपने ऑमलेट डालना है। इसको अब आपने पलट दिया, इसकी जो फ्रंट साइड है वो नीचे चली गई है, ये इसकी बैक साइड होगी, लेकिन हम फ्रंट साइड पे जो है फ्रंट साइड को पका के उसके ऊपर ऑमलेट डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने ऐसे ऊपर ऑमलेट डाल लेना है।
उसके बाद आपने इसको पलट देना है और साइडों पे आपने घी डालना है। इसकी फ्रंट साइड जो है पराठा की फ्रंट साइड सामने आ गई और इसके ऊपर आमलेट पेस्ट हुआ हुआ है, तो आपने ऐसे आमलेट पेस्ट करना है। लीजिए दोस्तों, आपका आमलेट और आलू का पराठा रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा बना है, आपको देख के पता चल रहा होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।